और दोस्तों सिर्फ आप लोग ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आप सिर्फ 5 सेकंड में पता कर लेंगे। तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो जाएंगे। दोस्तों अभी आपके स्क्रीन में दो जर्मन शेफर्ड दिख रहे होंगे, एक मेरे राइट साइड में है, एक मेरे लेफ्ट साइड में है। अब दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों जर्मन शेफर्ड में से कौन सा जर्मन शेफर्ड वर्किंग लाइन का जर्मन शेफर्ड है, तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो जाएंगे। वो लोग बता ही नहीं पाएंगे कि इन दोनों जर्मन शेफर्ड में से कौन सा जर्मन शेफर्ड वर्किंग लाइन का जर्मन शेफर्ड है। और दोस्तों सिर्फ आप लोग ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके सामने कोई जर्मन शेफर्ड का डॉग दिखता है तो वो बता ही नहीं पाते कि वो जर्मन शेफर्ड का डॉग एक प्योर वर्किंग लाइन का जर्मन शेफर्ड है कि नहीं। तो दोस्तों इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आप सिर्फ 5 सेकंड में पता कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सिर्फ 5 सेकंड में पता कर लेंगे कि जो आपके सामने जर्मन शेफर्ड का डॉग है वो एक प्योर वर्किंग लाइन का जर्मन शेफर्ड है कि नहीं। तो दोस्तों वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपके सामने कोई जर्मन शेफर्ड का डॉग है और अगर आपको पता करना है कि वो जर्मन शेफर्ड का डॉग एक प्योर वर्किंग लाइन का जर्मन शेफर्ड है कि नहीं, तो सबसे पहले पॉइंट आपको चेक करना है उस जर्मन शेफर्ड के एंगुलेशन को। दोस्तों जो आपके सामने जर्मन शेफर्ड का डॉग है, अगर उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो नीचे की तरफ झुकी हुई है, मतलब कि एक एंगुलेशन शेप में है, तो दोस्तों आप समझ जाइए कि वो एक वर्किंग लाइन का जर्मन शेफर्ड नहीं है। क्योंकि दोस्तों एक वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो कभी भी झुकी हुई नहीं होती, उसकी रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट होती है, मतलब कि एकदम से सीधी होती है। और जिस जर्मन शेफर्ड की रीढ़ की हड्डी नीचे की तरफ झुकी हुई हो गई, मतलब कि एक एंगुलेशन शेप में हो गई, तो आप समझ जाइए दोस्तों कि वो एक वर्किंग लाइन का जर्मन शेफर्ड नहीं है, वो एक शो लाइन का जर्मन शेफर्ड है। तो दोस्तों पहले पॉइंट आपको चेक करना है उस जर्मन शेफर्ड के एंगुलेशन को। दोस्तों उसकी रीढ़ की हड्डी नीचे की तरफ झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, उसकी रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, एकदम से सीधी होनी चाहिए। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट आपको चेक करना है उस जर्मन शेफर्ड के बालों को। दोस्तों जो आपके सामने जर्मन शेफर्ड का डॉग है, अगर वो जर्मन शेफर्ड एक लॉन्ग कोट का है या फिर अगर वो डबल कोट का है, तो आप आंख बंद करिए और आप समझ जाइए कि वो जर्मन शेफर्ड एक वर्किंग लाइन का जर्मन शेफर्ड नहीं है। क्योंकि दोस्तों एक वर्किंग लाइन का जर्मन शेफर्ड हमेशा एक मीडियम कोट का होता है। दोस्तों जो आपके सामने जर्मन शेफर्ड का डॉग है, अगर वो लॉन्ग कोट का है या फिर वो डबल कोट का है, तो आप आंख बंद करके बोल सकते हैं कि वो एक वर्किंग लाइन का जर्मन शेफर्ड नहीं है। क्योंकि दोस्तों एक वर्किंग लाइन का जर्मन शेफर्ड हमेशा मीडियम कोट का होता है। और दोस्तों अगर आप एक वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड के बालों को देखेंगे तो उनके बाल बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते, लगभग 1 से 1.5 इंच लंबे बाल होते हैं। और दोस्तों इससे ज्यादा बड़े बाल उनके होते ही नहीं है। और जिस जर्मन शेफर्ड के 1 से 1.5 इंच से ज्यादा बड़े बाल, जैसे कि 4 इंच हो गया, 4.5 इंच हो गया, तो इतने बड़े बाल जिस जर्मन शेफर्ड के हो गए, तो समझ जाए कि वो जर्मन शेफर्ड एक वर्किंग लाइन का जर्मन शेफर्ड नहीं है। तो दोस्तों दूसरे पॉइंट आपको चेक करना है उस जर्मन शेफर्ड के बालों को। दोस्तों उसके बाल बहुत ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट आपको चेक करना है उस जर्मन शेफर्ड के टेल को। दोस्तों जो आपके सामने जर्मन शेफर्ड का डॉग है, अगर उसकी टेल बहुत ज्यादा मोटी है और बहुत ज्यादा घनी है, तो आप समझ जाइए कि वो एक प्योर वर्किंग लाइन का जर्मन शेफर्ड नहीं है। क्योंकि दोस्तों एक प्योर वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड की टेल बहुत ज्यादा घनी नहीं होती, बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती। और दोस्तों जिस जर्मन शेफर्ड की टेल बहुत ज्यादा मोटी हो गई या फिर बहुत ज्यादा घनी है, तो समझ जाए कि वो जर्मन शेफर्ड एक वर्किंग लाइन का जर्मन शेफर्ड नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों आपके स्क्रीन पे दो जर्मन शेफर्ड दिख रहे होंगे, एक जर्मन शेफर्ड दोस्तों मेरे राइट साइड में है और एक जर्मन शेफर्ड मेरे लेफ्ट साइड में है। दोस्तों इस तरफ वाला जर्मन शेफर्ड एक वर्किंग लाइन का जर्मन शेफर्ड है, आप देख रहे होंगे। और दोस्तों इसकी टेल देखिए, इसकी टेल बहुत ज्यादा घनी नहीं है। और इस जर्मन शेफर्ड की टेल देखिए, इस जर्मन शेफर्ड की टेल कितनी ज्यादा घनी है, तो ये एक वर्किंग लाइन का जर्मन शेफर्ड है। तो दोस्तों आप टेल से ही पता कर सकते हैं कि जो आपके सामने जर्मन शेफर्ड का डॉग है वो एक वर्किंग लाइन का जर्मन शेफर्ड है कि नहीं। अब दोस्तों चौथे पॉइंट आपको चेक करना है उस जर्मन शेफर्ड की हाइट को। दोस्तों जो अभी आपके सामने जर्मन शेफर्ड का डॉग है, अगर वो जर्मन शेफर्ड दिखने में बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा है, दिखने में बहुत ज्यादा ह्यूज दिखता हो या फिर जायंट की तरह दिखता हो, तो आप दोस्तों आंख बंद करके पता कर सकते हैं कि वो जर्मन शेफर्ड एक वर्किंग लाइन का जर्मन शेफर्ड नहीं है। क्योंकि दोस्तों एक वर्किंग लाइन का जर्मन शेफर्ड दिखने में उतना ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता, वो एक नॉर्मल साइज का होता है। जैसे कि एक नॉर्मल जर्मन शेफर्ड का कितना हाइट होता है, अप्रोक्स 25 से 27 इंच, बस उतना ही उनका हाइट होता है। अगर इससे ज्यादा कोई जर्मन शेफर्ड का हाइट हुआ, जैसे दिखने में बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा होगा वो जर्मन शेफर्ड, या फिर 27 इंच से ज्यादा कोई जर्मन शेफर्ड की हाइट हुई, तो ऐसे दोस्तों जर्मन शेफर्ड एक वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो दोस्तों बहुत ज्यादा लंबे चौड़े जर्मन शेफर्ड भी एक वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड कैटेगरी में नहीं आते हैं। और दोस्तों जो एक वर्किंग लाइन के जर्मन शेफर्ड होते हैं, वो अपने एक नॉर्मल साइज के होते हैं। तो जितने नॉर्मल जर्मन शेफर्ड होते हैं, बस उतने ही उनकी हाइट होती है, उससे ज्यादा वो दिखने में बहुत ज्यादा लंबे चौड़े नहीं होते, बहुत ज्यादा जायंट की तरह वो नहीं दिखते हैं। तो आप दोस्तों उनकी हाइट से पता कर सकते हैं कि वो एक वर्किंग लाइन का जर्मन शेफर्ड है कि नहीं।
तो दोस्तों अगर आपके सामने कोई जर्मन शेफर्ड का डॉग है और अगर आप पता नहीं कर पा रहे हैं कि वो जर्मन शेफर्ड का डॉग एक वर्की लाइन का जर्मन शेफर्ड है कि नहीं, तो आप दोस्तों ये सिर्फ 4 पॉइंट चेक करिए। और अगर आप ये 4 पॉइंट चेक कर लेते हैं तो आप सिर्फ 5 सेकंड में पता कर लेंगे कि वो जर्मन शेफर्ड का डॉग एक प्योर वर्किंग लाइन का जर्मन शेफर्ड है कि नहीं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो और मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत ही ज्यादा नॉलेज मिला होगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी मिलते रहेंगे हमारे प्यारे प्यारे वीडियोज में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।